हाय दोस्तों, कैसे हो? मेरे साथ आज OnePlus 9R जिसमें ऑक्सीजन OS 11 था, एंड यहाँ पर है OnePlus 9 Pro जिसमें मैंने ऑक्सीजन OS 12 का बीटा ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। एंड बिलीव मी, पिछले 5-6 सालों में ना जो मेरी फेवरेट एंड्रॉयड स्किन थी वो ऑक्सीजन OS ही थी। मुझे काफ़ी मज़ा आता था, काफ़ी क्लीन यूज़र इंटरफेस होता था, तो बढ़िया सा लगता था चलाने में। एंड बहुत ही कम टाइम में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन OS हट जाए। मे बी ओप्पो मर्जर के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको कलर OS का इफेक्ट देखने लग जाए, जैसे कि आपको OnePlus Nord 2 में ऑलरेडी दिखता है। सो क्यों ना मैंने सोचा यहाँ पर ऑक्सीजन OS 12 डाल के एक बार ट्राई कर लिया जाए। यहाँ पर OnePlus 9 Pro में मैंने ऑक्सीजन OS 12 इंस्टॉल कर दिया है। देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस निकल के आते हैं यहाँ पर OnePlus 9R से, जिसमें अभी ऑक्सीजन OS 11 देखने को मिलता है आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपको ऑक्सीजन OS 12 वर्सेस ऑक्सीजन OS 11 के बारे में सब कुछ जानना है तो। सो दोस्तों, ऑक्सीजन OS 12 जो है उसका अपग्रेड बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक स्टेबल वर्जन वाला अराउंड द ईयर एंड, मतलब 2021 के खत्म होते होते तक ऑलमोस्ट सारे OnePlus फोन्स में आ ही जाएगा आफ्टर द OnePlus 6। तो यहाँ पर अभी OnePlus 9R के लिए एक बीटा प्रोग्राम नहीं आया था, इसीलिए OnePlus 9 Pro में डाल के टेस्ट किया है और 12 ऐसे न्यू फीचर्स हैं जहाँ पर आपको ऑक्सीजन OS 12 में चेंज देखने को मिलता है। सो जो सबसे पहला डिजाइन डिफरेंस आया है वो आया है सिस्टम सेटिंग्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन OS 12 डालने के बाद आपको यहाँ पर सारे सेक्शंस का डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता, वो हटा दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर OnePlus 9R में देखने को मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्ले के नीचे स्टेटस बार, एम्बिएंट डिस्प्ले, क्या क्या डिस्प्ले के फीचर्स हैं, वो यहाँ पर अब आपको पता नहीं चलते हैं ऑक्सीजन OS 12 में। उसके अलावा यहाँ पर जो प्राइवेसी एंड बैटरी है वो एग्जैक्टली कॉपी कर दिया गया है कलर OS 12 से, जैसा कि आपको कलर OS 12 में देखने को मिलता था। सो यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ और न्यू फीचर्स एड ऑन हुए हैं सिस्टम सेटिंग्स में। इनफैक्ट इवन यहाँ पर जो प्राइवेसी वाला मेन्यू है वो भी दोनों में अच्छा खासा चेंज हो गया है। ऑब्वियसली थोड़ा सा कलर OS इंस्पायर्ड है यहाँ पर आपका ऑक्सीजन OS 12। बट ऑल इन ऑल अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन OS 12 में थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन OS 11 ऑन OnePlus 9R। अब आगे चलते हैं, अगर बात करें सेकंड फीचर की तो वो है यहाँ पर मल्टीपल डार्क मोड्स, जो कि आपको ऑक्सीजन OS 12 में देखने को मिल जाते हैं। इन स्पेसिफिक यहाँ पर आपको 3 डार्क मोड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन OS 11 की, तो यहाँ पर डार्क मोड में इतने सारे फीचर्स नहीं होते थे। वहीं ऑक्सीजन OS 12 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एनहांस्ड, मीडियम एंड जेंटल स्टाइल ऑफ डार्क मोड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि जो आप डार्क मोड है वो थर्ड पार्टी ऐप्स में भी एक्सेस अप कर सकते हो। कुछ ऐप्स होती थी जो आपको डार्क मोड रिस्ट्रिक्ट करती थी इन ऑक्सीजन OS 11, आप उनके लिए भी यहाँ पर डार्क मोड टर्न ऑन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पर आप अपने वॉलपेपर्स को भी डार्क मोड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जिसकी कैपेबिलिटी ऑक्सीजन OS 12 आपको दे देता है। वहीं अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन OS 11 के डार्क मोड की, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा रहता था, इतने ज़्यादा एनहांस फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते थे। अब यहाँ पर अगर थर्ड फीचर की तरफ चलें ऑक्सीजन OS 12 का, तो वो फीचर से ज़्यादा एक ट्रिक कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ 3 फिंगर्स स्वाइप अप करके डायरेक्टली सपोर्टेड ऐप्स में आप स्प्लिट स्क्रीन में एंटर कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो चुकी है। सो दिस इज जस्ट सो ईजी टू यूज विथ 3 फिंगर्स। अब हाँ, कहीं कहीं बार ऐसा होता है नहीं हो पाता, क्योंकि दिस इज स्टिल इन बीटा वर्जन, बट हाँ, ये एक काफ़ी यूजफुल फीचर हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं अपने OnePlus फोन्स में। अब ऐसा कुछ आपको ऑक्सीजन OS 11 में तो ऑब्वियसली देखने को नहीं मिलता था। अब जो यहाँ पर फोर्थ फीचर है ऑक्सीजन OS 12 का, वो इससे पहले हमने ओप्पो रेनो 6 के कलर OS में देखा हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट टेकन फ्रॉम कलर OS ऑन दी ओप्पो फोन्स, और ये फीचर है आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि ऑक्सीजन OS 11 में आपका एम्बिएंट डिस्प्ले के नाम से जाना जाता था, वो अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ऑन द ऑक्सीजन OS 12। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको 100 टाइप्स ऑफ कस्टमाइजेशंस देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आप कैनवस, बिटमोजी, एनिमोजीज, इनसाइट्स, काफ़ी कुछ ऐड कर सकते हो ऑन दी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। मतलब यहाँ पर अगर मैं OnePlus 9 Pro की बात करूँ, जिसमें अभी मैंने ऑलरेडी ये यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही काफ़ी स्लीक एंड डिज़ाइनर लुक दे रहा है
आपकी लॉक स्क्रीन को। अब ये फीचर हमने ओप्पो रेनो 6 प्रो में तो देखा ही था, बट यहाँ पर एड ऑन हो गया ऑक्सीजन ओएस 12 में, तो आप ऑलरेडी यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कलर ओएस का टिंट आना शुरू हो गया है आपके वन प्लस फोन में। अब अगर यहाँ पर एक और चीज आप नोटिस करें तो ऑक्सीजन ओएस 12 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जेन मोड है उसके लिए आपका डेडिकेटेड आइकन आ चुका है ऑन ऑक्सीजन ओएस 12, जो कि आपको वन प्लस नॉट 2 में भी देखने को मिलता था। इससे पहले अगर मैं बात करूं वन प्लस 9R की, जहां पर आपको ऑक्सीजन ओएस 11 देखने को मिलता है, तो वहां पर आपको ये जेन मोड सिर्फ कंट्रोल पैनल में देखने को मिलता था। अब जिन लोगों ने कभी जेन मोड यूज नहीं किया उनको बता दूं कि जेन मोड एक वो मोड है जिस पे क्लिक करते ही आप अपनी दुनिया में जा सकते हैं अवे फ्रॉम ऑल द डिस्टर्बेंसेस, और इसको मैं कहूंगा एक डाउन टाइम ऐप है जो कि आप अपने रिलैक्सेशन टाइम में यूज कर सकते हो। तो आई थिंक इसके लिए एक डेडिकेटेड ऐप आइकन दे देना काफी समझदारी की बात है, क्योंकि OnePlus 9R में सिर्फ आपको यहाँ पर कंट्रोल पैनल शेल्फ में ही देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो आपका 6 फीचर है वो गेमिंग मोड से रिलेटेड है। जैसे कि आपको यहाँ पर OnePlus 9R में ऑक्सीजन OS 11 में रिवाइंड रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डर, और साथ में यहाँ पर आपको डेडिकेटेड WhatsApp और Instagram का जो फीचर मिलता था, इन एडिशन यहाँ पर आपको ऑक्सीजन OS 11 में ब्राइटनेस एडजस्टर भी मिलता था, जो कि अब ऑक्सीजन ओएस 12 में मिसिंग रहता है। बट यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस 12 में जो गेमिंग मोड है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इवन तो आप अभी भी यहाँ पर FPS मॉनिटर कर सकते हो CPU GPU पावर के साथ, यहाँ पर एक नई चीज ऐड हो गई है जो कि है गेम फिल्टर्स टू रिमूव एनी टाइप ऑफ डार्कनेस एंड हैव नाइट विजन इफेक्ट्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक वॉइस मॉड्यूलेटर भी देखने को मिल जाता है, बट हाँ अभी मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा, बट आई थिंक आने वाले टाइम में इसका सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे यहाँ पर 7th ऑक्सीजन ओएस 12 के फीचर की। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन ओएस 11 में अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिलता था, जो कि अब ऑक्सीजन ओएस 12 में फाइल्स हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर लुक्स को भी देखें तो दोनों की ही लुक्स टोटली चेंज हो चुकी है। यहाँ पर फाइल्स मेन्यू तो यार कम्प्लीटली बदल दिया है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ऑक्सीजन ओएस 12 का ज्यादा बढ़िया लग रहा होगा, एंड सच में ज्यादा बढ़िया है भी। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर फाइल्स ऐप में आपका रीसेंट्स का ऑप्शन भी आ चुका है, जो कि ऑक्सीजन ओएस 11 में आपको देखने को नहीं मिलता था। तो दोस्तों, अभी तक आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लग रही है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या आप भी मेरी तरह एक्साइटेड थे ऑक्सीजन ओएस 12 के लिए? आई वुड रियली लव टू नो। बाकी आपको ऑक्सीजन ओएस अभी तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड थैंक यू सो मच हमें 100K तक पहुंचाने के लिए। ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब यहाँ पर आगे भी अगर देखें तो एक और सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है, जो कि है नोट्स ऐप में। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यार कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए नोट्स बनाना। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़रूरी हो गई है, तो बहुत से लोग काफ़ी डेटा स्टोर करके रखते होंगे, और अगर आप मेरी बात करो तो मेरी भी मोस्टली सारी स्क्रिप्ट्स नोट्स में ही रहती हैं, एंड मैं मोस्टली नोट्स ऐप इसलिए भी यूज़ करता हूँ कि ताकि मुझे याद रहे कि यार क्या क्या काम पेंडिंग थे, क्या क्या काम करने थे। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि OnePlus ने मेरी बात सुन ली, एंड यहाँ पर आपके नोट्स ऐप में एक डेडिकेटेड टू डूज का ऑप्शन भी दे दिया है, जिसमें ध्यान रहे आपको कि और क्या क्या काम पेंडिंग थे दिन के जो आपको करने हैं। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा, एंड ये एक काफ़ी अच्छा मूव है इन द नोट्स ऐप। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने कुछ स्पेशल एंड प्राइवेट नोट्स पर प्राइवेसी भी लगा सकते हो, एंड इनको लॉक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइवेट नोट्स का फीचर दे दिया है ऑक्सीजन ओएस 12 ने। इसके अलावा यहाँ पर आपको नोट्स सेक्शन में डेडिकेटेड डूडल्स बनाने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इससे पहले ऑक्सीजन ओएस 11 में नहीं था। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, एंड अदरवाइज आप यहाँ पर डूडल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया, आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा अभी नोट्स ऐप में फीचर्स ख़त्म नहीं हुए हैं, यहाँ पर आप अपने नोट्स को कैटेगराइज भी कर सकते हो इन फॉर्म्स ऑफ नोटबुक्स। आई थिंक ये काफ़ी टाइम से मिसिंग था, एंड अब ऑक्सीजन ओएस में ये सारे एडिशंस देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो ओप्पो का मर्जर हुआ है ऑक्सीजन ओएस के साथ वो मच नीडेड था, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे फीचर्स और ट्वीक्स थे जो कि कलर ओएस की वजह से यहाँ पर एड ऑन हो गए हैं आपके ऑक्सीजन ओएस 12 में भी। इसके अलावा यहाँ पर नोट्स ऐप में फॉर्मेटिंग भी अवेलेबल है, जो कि काफ़ी टाइम से मिसिंग था। यहाँ पर अगर मैं अदरवाइज ऑक्सीजन ओएस 11 की नोट्स ऐप की बात करूँ तो ये काफ़ी सिंपल स्लीक एलिगेंट सी थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफर नहीं होते थे, बस ऐप पर आओ नोट्स बनाओ एंड टाटा बाय बाय। बट यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस 12 ने एक्चुअली जो नोट्स ऐप का एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी एनहांस कर दिया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं हमारे 9th फीचर की, जो कि है ऐप ड्रॉअर।
यहाँ पर आपको एक टोटली रीडिजाइंड ऐप ड्रॉअर देखने को मिलता है। एंड अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ देखें आप, अल्फ़ाबेट के हिसाब से ऐप ड्रॉअर आ चुका है जो कि वन प्लस नाइन आर के ऑक्सीजन ओएस में नहीं था। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि टॉप पर आपको ऑक्सीजन ओएस 11 में रीसेंट्स ऐप ओपन देखने को मिलती थी जो कि ऑक्सीजन ओएस 12 में देखने को नहीं मिलती हैं अब। और इस ऐप ड्रॉअर को देखने के बाद और ऐसा लगता है कि यार ऑक्सीजन ओएस 12 को ना कलर ओएस का नाम ही दे देना चाहिए था, क्योंकि दिस इज टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम कलर ओएस ऑन ओप्पो फोन्स। अगर आप इसके अलावा एक और फीचर ध्यान से नोटिस करें तो ऊपर की तरफ जो माइक्रोफोन आइकन आपको देखने को मिलता था फॉर सर्चिंग, वो भी हटा दिया गया है ऑक्सीजन ओएस 12 से। सो यहाँ पर बेसिकली वन प्लस वॉन्ट्स कि आप इन अल्फाबेट्स को यूज़ करके ही अपनी ऐप सर्च को इजी बनाएं। अब जो यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलता है ऑक्सीजन ओएस 11 में वो ये है, यहाँ पर वन प्लस ने इंडियन रिटेल यूनिट्स में आपको वर्क लाइफ बैलेंस मोड दिया था जिसमें आपको दो मोड्स देखने को मिलते थे, एक वर्क मोड एंड एक लाइफ मोड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस 12 के साथ ये वाला फीचर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल है कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो कंट्रोल पैनल में आपको दोनों डेडिकेटेड मोड्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस मोड इज नाउ चेंज्ड इनटू वर्क मोड एंड लाइफ मोड, तो मतलब इनको स्प्लिट कर दिया गया है और दोनों ही यहाँ पर आपको बाहर देखने को मिल जाते हैं, यहीं से आप डायरेक्टली एनेबल कर सकते हैं। ऑब्वियसली कन्वीनियंस इज द की जो कि आपको ऑक्सीजन ओएस 12 ऑफर करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है हमारा स्काउट सर्च फीचर, जो कि सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए अवेलेबल था अभी तक वन प्लस फोन्स में, बट ऑक्सीजन ओएस 12 के साथ ये यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल कर दिया गया है। अब इस फीचर के थ्रू आप एक यूनिवर्सल सर्च बार से एक्सेस कर सकते हो एनीथिंग ऑन योर फोन, इनफैक्ट इवन द कैलकुलेटर। आपको यहाँ पर नीचे होम स्क्रीन पर ड्रैग करके ये सर्च बार देखने को मिल जाता है जिससे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लाइक यहाँ पर आपने कैलकुलेटर का रिजल्ट देखा डायरेक्टली यहीं पर आ जाता है इवन विदाउट ओपनिंग द ऐप। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें थी जो कि गूगल सर्च बार से अभी भी नहीं आ पाती, लाइक सम डेफिनेशंस एंड अदर डॉलर रेट कन्वर्जन्स, जो कि मुझे लगता है आ गई तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी ऑक्सीजन ओएस 12 में। और ये जो आजकल एंड्रॉयड फोन्स में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है स्काउट सर्च फीचर, ये आपको ऑब्वियसली iOS में पहले देखने को मिलता था, तो जिन लोगों ने iOS चला रखा है उन्हें पता था कि ये कितना यूजफुल है। एंड अब आपका ऑक्सीजन ओएस 12 के साथ ऑलमोस्ट सारे वन प्लस फोन में आपको ये फीचर ग्लोबली अवेलेबल हो जाएगा। और अब जो यहाँ पर हमारा 12th फीचर है ऑक्सीजन ओएस 12 का, वो ये है कि यहाँ पर आपको तीन नए फिंगरप्रिंट एनिमेशंस देखने को मिलते हैं जिनका नाम है फायरवर्क्स, मैजिक एंड वर्म होल। वहीं अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस 11 से कंपेयर करूँ तो वहाँ पर आपको सिर्फ तीन एनिमेशन इफेक्ट्स देखने को मिलते थे, एंड ऑक्सीजन ओएस 12 में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चेंज एंड एडिशंस कर दिया गया है। यही छोटी छोटी कस्टमाइजेशंस होती हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को और बढ़िया बना देती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस 12 आपको कुछ और बोनस फीचर्स देता है, लाइक दीज छोटी छोटी एडिशंस ऑन द होम स्क्रीन। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ऑक्सीजन ओएस 11 में आपको सिर्फ वॉलपेपर्स एंड विजिट्स का ऑप्शन देखने को मिलता था, वहीं यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस 12 में आपको वॉलपेपर, आइकन्स, विजिट्स, लेआउट्स, इनफैक्ट इवन ट्रांजिशंस का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो हम ओप्पो वीवो फोन्स में देख चुके हैं, तो यार वही बात है, ऐसी छोटी छोटी कलर ओएस की जो यहाँ पर चीज़ें थी वो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस 12 में देखने को मिलती हैं टू इवन फर्दर एनहांस द एक्सपीरियंस। सो दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट द ऑक्सीजन ओएस 11 वर्सेज ऑक्सीजन ओएस 12 ऑन वन प्लस 9R वर्सेज वन प्लस 9 प्रो। यहाँ पर आपने देखा आज कि क्या क्या नए फीचर्स एड ऑन किए गए हैं ऑक्सीजन ओएस 12 में जो कि और बढ़िया बना देते हैं आपके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऑक्सीजन ओएस 12 के फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे लगे आपको। बाकी और यहाँ पर हम टेस्टिंग जारी रखेंगे, देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या नया दिया गया है। बट हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले राजकुमार राव की आवाज़ में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।